ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने डी एंड ई पार्ट अभी करवा दिया है, तो आपको इसके आगे का जो पार्ट है वो हम होमवर्क में देंगे। तो इनफाइनाइट सेट तक आप लोगों ने कर ली। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 तो हो चुका ऑलरेडी ना। क्वेश्चन 7 भी हाँ, क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई है। इसके बाद आपका जो है वो टाइप्स ऑफ सेट है। तो मैंने टाइप्स ऑफ सेट की जो डेफिनेशन है मैंने लास्ट टाइम सेंड किया था, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप लोग अपना एक पेज छोड़कर इस डेफिनेशन को लिख लेना ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर सकें। तो क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसको? तो बेटा, हाँ बेटा, तो आपने कहाँ तक कंप्लीट किया, बस इतना ही बचा बताइएगा। सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इतना आप लोगों ने कंप्लीट किया है। यूनिवर्सल सेट, यस, ओके बेटा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट, ये अभी नहीं हुआ है। ओके, तो बेटा इसको हम इरेज कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट, आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को। देखते हैं, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिफरेंट सेट। ओके, एक ऐसा सेट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेट के सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है? और यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। अनदर सेट, सेट बी इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9। ओके, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और सेट बी के कितने एलिमेंट हैं? 6, 7, 8, 9। यहाँ 4 एलिमेंट, यहाँ 5 एलिमेंट हैं। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट जो होंगे वो सेट यू में होंगे। देखेंगे कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सेट ए के एलिमेंट एंड सेट बी के एलिमेंट ये सेट यू में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका जो सेट यू होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, बिकॉज सेट ए के जो एलिमेंट हैं ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट बी के एलिमेंट 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9।
तो इन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेट यू में हैं, इसलिए जो सेट यू होगा ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। हो इसको आप लोग नोट करिए। ओके बेटा, ओके। क्लास बंद करता है।